नमस्कार दोस्तों, पीवीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। मैं अखिलेश यादव आज जीएसटी की सेकंड क्लास अटेंड करने चल रहा हूँ। जीएसटी के कुछ पहले जो मूल्यवर्धित कर होते थे, ठीक है, पुराने टैक्सेशन सिस्टम पर, उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लें। उसके बाद फिर हम जीएसटी के अमेंडमेंट्स में आते हैं और जीएसटी के रेगुलेशंस, रूल्स, क्या क्या इसके प्रॉफिट हैं, क्या क्या लॉसेस हैं, ठीक है, उसको हम देखेंगे। पहले इसमें सबसे पहले है प्रत्यक्ष कर। क्योंकि मैंने इसके लास्ट क्लास में यह डिस्कस कर लिया था कि टैक्स सिस्टम में, इंडियन टैक्स सिस्टम में दो प्रकार के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स अर्थात प्रत्यक्ष कर। तो प्रत्यक्ष कर में क्या क्या आता है? पहले जो पुराने टैक्सेशन सिस्टम में होता था, अब के नहीं, जीएसटी में नहीं, जीएसटी में जो इंक्लूड किया गया है, जो छोड़ा गया है, इससे कोई चर्चा नहीं है इसमें। इसमें पुराने टैक्स सिस्टम में जो राजस्व प्राप्तियों के प्रकार होते हैं, दो प्रकार के, इनडायरेक्ट टैक्सेस के, एक डायरेक्ट टैक्सेस के, ठीक है, जो रेवेन्यू को कलेक्ट किया जाता है। तो प्रत्यक्ष कर में केंद्र सरकार द्वारा पहले लगाया जाने वाला कर, ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा द्वारा लगाया जाने वाला कर, पहले सबसे पहले है आयकर, ठीक है। मैंने पहले ही डिस्कस कर चुका था कि आयकर होता क्या है। जो लोग इम्प्लॉइज, वर्कर्स, कार्य करते हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में, ठीक है, किसी भी सेक्टर्स में वर्कर्स, जो जॉब वर्कर्स होते हैं, उनकी एक एक निश्चित लिमिट जो होती है, सर्टेन लिमिट, उसके ओवर इनकम होने के बाद आयकर उनको पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है, ये होता है आयकर। निगम कर, निगम जान ही रहे होंगे, जल निगम, ठीक है, परिवहन निगम, निगम से संबंधित, यात्रा से संबंधित होता है, ठीक है, तो इससे संबंधित जो कर का पेमेंट किया जाता है उसे निगम कर कहते हैं। और घर कर, देखिए घर, इस पे कह रहा है लोग क्या कहते हैं, एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा, मतलब किसके पास कितने हाउसेस हैं, कोई नया मकान खरीद रहा है, ठीक है, जमीन डीलर से संबंधित कोई ऐसा वो है सिस्टम है, ठीक है, तो संपत्ति खास करके घर से जो कर देना पड़ता है, किसी किसी के पास हर शहरों में घर होता है, दो तीन घर, ठीक है, तो इससे संबंधित रेगुलेशन से जो एक लिमिट होती है, ठीक है, इसके जो दायरे होते हैं उनके अंतर्गत होकर पेमेंट करना टैक्स का, घर कर कहलाता है। उसके बाद है संपत्ति कर। संपत्ति पर कर पेमेंट करने का सेंस ये होता है, कोई डायरेक्ट, हाँ, कोई क्या कहते हैं, फिक्स असेट्स हो उस पे जो हम कर पेमेंट करते हैं, जैसे खास करके जमीन पर ही ले लिया जाए, ठीक है, जमीन पर भी कुछ बहुत पॉइंट में, मिनिमम पॉइंट में कुछ पैसे पेमेंट करना पड़ता है गवर्नमेंट को, ठीक है, वो होता है संपत्ति कर। अदर संपत्तियों पर भी टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है। उसके बाद है उपहार कर। उपहार, देखिए जो किसी को दिया जाता है उसे उपहार कहते हैं, मतलब फ्री में, ठीक है, तो इससे संबंधित जो टैक्सेस होते हैं उनको उपहार कर कहते हैं। व्यय कर है, जैसे तुम कितना एक्सपेंसेस कर रहे हो, टोटल टर्नओवर में कितना एक्सपेंडिचर टोटल कर रहे हो ऑन द ईयर, ठीक है, तो उस पे जितना पेमेंट किया जाता है टैक्स का उसे व्यय कर कहते हैं। और ब्याज कर, जैसे कोई सरकारी संस्थान है, ठीक है, या प्राइवेट सेक्टर ही है, बट अगर वो ब्याज से पैसा कमाने का कोई बिजनेस ऐसा करता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए लोन्स प्रोवाइड करता है, ठीक है, खास करके जैसे डेवेंचर्स हैं, ठीक है, तो इस पे जितना ब्याज वो कलेक्ट करता है, और बहुत ज़्यादा, एक सर्टेन लिमिट से ऊपर अगर ब्याज का कलेक्शन करता है वो, तो उसे ब्याज कर देना पड़ता है, इंटरेस्ट टैक्स, ठीक है। ये था केंद्र सरकार से संबंधित प्रत्यक्ष कर। अब देखिए राज्य से संबंधित, राज्य सरकार द्वारा जो कलेक्ट किया जाता है प्रत्यक्ष कर, उसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, जो किया जाता था, किया जाता नहीं है जीएसटी के पहले, तो इसमें है फर्स्ट होटल संपत्तियों पर कर। देखिए होटल से प्राप्तियां जो होती हैं, जैसे किसी का बहुत बड़ा होटल चलता है, ठीक है, तो उसमें टोटल रेवेन्यूज, टोटल प्रॉफिट नहीं, टोटल रेवेन्यू जितना हो रही है, टोटल इनकम मतलब जितना प्राप्त हो रही है उससे, ठीक है, एक सर्टेन लिमिट से ऊपर अगर होता है तो होटल पर भी, होटल की जितनी प्राप्तियां हुई है उस पे उसको पेमेंट करना पड़ता है, और वो भी सेवा के अंतर्गत, सर्विस टैक्स, ठीक है, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा से कोई भी टैक्स चार्ज किया जाता है तो वो गुड्स के अंतर्गत आता नहीं है, ठीक है, वो सर्विसेज के अंतर्गत ही आता है। उसके बाद है भू राजस्व पर कर, भूमि राजस्व पर। देखिए कुछ लोग होते हैं जो जमींदार कहा जाता है, ठीक है, हिंदी में उनको, जिनके पास बहुत ज़्यादा जमीन होती है, ठीक है, एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा जो सामान्य व्यक्तियों के पास होती है, तो उनसे भी सरकार टैक्स का चार्ज करती है उन पर, ठीक है, भू राजस्व पर, भूमि के राजा,
महाराजा, जिनके पास बहुत ज़्यादा एकड़ में जमीन हो, ठीक है, 100 एकड़ 200 एकड़ तक। उसके बाद है कृषि आय पर कर, कृषि आय पर कर जो कि अब जीएसटी में हटा दिया गया है। पहले क्या था, पुराने टैक्स सिस्टम में जो एग्रीकल्चर से जितना रेवेन्यूज होता था उस पर भी टैक्स का पेमेंट करना पड़ता था, उसे कृषि आय पर कर कहते हैं। अब है व्यवसाय कर, बिजनेस टैक्स, ठीक है। देखिए, आप किसी भी प्रकार का बिजनेस किस उद्देश्य से करते हैं, प्रॉफिट के मोटिव से, ठीक है। तो किसी भी प्रकार का छोटा या बड़ा बिजनेस जो कुछ भी खोला गया था, पहले टैक्स का पेमेंट करना पड़ता था, और खास करके उसकी भी कोई निश्चित लिमिट नहीं होती थी। जैसे जीएसटी में 20 लाख यूपी के अंतर्गत है, ठीक है, 20 लाख के ऊपर जाने के बाद ही टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है। तो ऐसा कोई केसेस नहीं था पहले पुराने टैक्सेशन सिस्टम में, इसीलिए जीएसटी को लाया गया, ठीक है। तो ये व्यवसाय कर जो कोई भी बिजनेस चलाता था, ठीक है, उस पर जो प्रॉफिट होता था टोटल उसका टर्नओवर, उस पर भी टैक्स का पेमेंट करना पड़ता था उसको, ये था बिजनेस टैक्स, ठीक है। उसके बाद है गैर शहरी चल संपत्तियों पर कर, गैर शहरी जो सिटीज से रिलेटेड नहीं थी, उन संपत्तियों पर जो टैक्स का पेमेंट करना पड़ता था। जैसे किसी के पास मशीनरी से, ठीक है, वो बिजनेस में यूज करता है उस मशीनरी को, निजी प्रयोग के लिए नहीं रखता है। जैसे किसी के पास थ्रेसर है गेहूं काटने के लिए, वो निजी प्रयोग के लिए रखे गए संपत्तियों पर टैक्स का पेमेंट नहीं करेगा। बट अगर कोई ऐसी असट्स है, फिक्स असट्स है, ठीक है, जिनको लॉन्ग टर्म तक यूज किया जाता है और वो बिजनेस के मोटिव से ली गई है, ठीक है, व्यवसाय किया जाता है उन चीजों से, तो उन पर भी टैक्स पेमेंट करना पड़ता है। उसके बाद है रोजगारों पर कर, रोजगार जो होते हैं, देखिए ये सारे टैक्सेशन सिस्टम ये जीएसटी के अंतर्गत नहीं है, ये सब ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम के अंतर्गत आता था, क्योंकि अब एग्रीकल्चर को और खास करके ये कृषि आय पर जो है और व्यवसाय कर, ये सब टैक्सेस एकदम से समाप्त कर दिए गए हैं। इनकी जीएसटी काउंसिलिंग में कब लागू किया जाएगा बैठक से कुछ निश्चित डेट नहीं है कि लागू किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है। तो ये ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम से बेस्ट है, ठीक है। तो रोजगारों पर कर, जैसे कोई संस्थान बहुत ज़्यादा रोजगार प्रोवाइड करता हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को रखता हो अपने यहाँ काम कराने के लिए, तो एक सर्टेन लिमिट से ऊपर रोजगार देने पर भी उसको टैक्स पेमेंट करना पड़ता था, जो कि अब समाप्त कर दिया गया है, जीएसटी में इंक्लूड नहीं किया गया बल्कि उसको हटा दिया गया टैक्सेशन सिस्टम से, ठीक है। तो ये था राज्य सरकार द्वारा डायरेक्ट टैक्स वसूलने का संसाधन स्रोत। अब देखिए अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम में ओल्ड टैक्स में कौन कौन आते थे, ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम में, तो इसमें केंद्र सरकार के द्वारा सबसे पहले सीमा शुल्क वसूल किया जाता था सेंट्रल टैक्स के द्वारा। सीमा का सेंस ये होता है जैसे आप इंडिया से नहीं, बाहर से, फॉरेन से, फॉरेन कंट्रीज से अपने कंट्री में कोई गुड्स मंगाते हैं वहाँ से, ठीक है, सप्लाई रिसीव करते हैं, या दूसरे स्टेट से कराते हैं, स्टेट लेवल पर भी सीमा शुल्क चार्ज किया जाता है और सेंट्रल लेवल पर भी। तो खास करके सीमा शुल्क जो केंद्र सरकार द्वारा वसूल किया जाता था वो विदेशों से वस्तुओं को मंगाने पर, ठीक है, प्रवेश कर चार्ज करते थे, अपनी सीमा में लाने के लिए जो टैक्स का पेमेंट लोगों से कराते थे उसको सीमा शुल्क बोलते हैं, ठीक है, ये था। अब केंद्रीय उत्पाद शुल्क, उत्पादन पर जो मैन्युफैक्चरिंग होती थी एक सर्टेन लिमिट से ऊपर, कोई भी बिजनेसमैन हो, जैसे मैन्युफैक्चरर हो, बहुत ज़्यादा संख्या में किसी गुड्स को वो मैन्युफैक्चर करता हो, तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग गुड्स ना कि उसके प्रॉफिट पे, टोटल उसका जितना गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहा है उसमें जितना बेकार हो जा रहा है, इससे मतलब नहीं है कितना स्टॉक में रखा गया है, कितना बिका है, कितना क्या हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं, केवल टोटल जितना गुड्स उसका मैन्युफैक्चर हुआ है, टोटल मैन्युफैक्चरिंग गुड्स पर उसको केंद्रीय उत्पाद शुल्क का पेमेंट करना पड़ता था, सेंट्रल मैन्युफैक्चर टैक्स। अब देखिए उसके बाद है केंद्रीय बिक्री कर, अब ये सेंट्रल सेल्स टैक्स, जितने भी सेल्स होते थे चाहे स्टेट लेवल पर हो, चाहे सेंट्रल लेवल पर हो, चाहे विदेशों को हो, ठीक है, जितने भी सेल्स होते थे खास करके सेंट्रल लेवल पर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो गुड्स को सेल्स किया जाता था, सप्लाई किया जाता था, उस पे सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था, और स्टेट के अंदर ही जो टैक्स का कलेक्शन होता था वो स्टेट सेल्स टैक्स पे होता था, मतलब स्टेट के अंदर ही जो गुड्स को प्रोवाइड किया जाता था एक जिला से, एक डिस्ट्रिक्ट से अंतर्गत दूसरे डिस्ट्रिक्ट को, ठीक है, तो ये राज्य सरकार के द्वारा चार्ज किया जाता था, बट जो सेंट्रल लेवल पे चार्ज किया जाता था वो केंद्र सरकार के द्वारा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब गुड्स को प्रोवाइड किया जाता था। तो उसके बाद है सेवा कर, सर्विस टैक्स, ये खास करके रेस्टोरेंट पे प्रोवाइड किया जाता था, जैसे कोई भी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है कोई भी रेस्टोरेंट से संबंधित, तो
हम लास्ट क्लासेस में भी इसको डिस्कस कर चुके थे कि अगर किसी भी रेस्टोरेंट पर कोई चीज़ उपलब्ध है खाने के लिए, तो वो कभी भी वस्तु कर के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है, वो सेवा माना जाता है। कहीं से भी फैसिलिटीज तो वो खास करके रेस्टोरेंट से संबंधित होता है, उसको सर्विस टैक्स चार्ज किया जाता है उस पर। इसमें टूरिस्ट शामिल होते हैं, जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में वो घूमने के लिए गए हैं, किसी भी काम के लिए गए हैं, तो बहुत बड़े बड़े ढाबा खुले रहते हैं जिनका एक सर्टेन लिमिट से ऊपर रेवेन्यूज होता है, उनकी इनकम बहुत ज़्यादा होती है। तो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट हो, ठीक है, दोनों प्रकार के होटलों पर चार्ज किया जाता है सर्विस टैक्स। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। अब राज्य सरकार द्वारा अप्रत्यक्ष कर चार्ज किया जाने वाला कौन कौन सा है? राज्य सरकार के द्वारा सबसे पहले पेट्रोल और डीजल पर शुल्क चार्ज किया जाता था, जीएसटी में नहीं, जीएसटी से मतलब नहीं है क्योंकि जीएसटी में हटाया जा रहा है इसको, ठीक है, तो जीएसटी से संबंधित कोई भी बात अभी नहीं हो रही है, ये पुराने टैक्सेशन सिस्टम पे बेस्ड है। तो पेट्रोल और डीजल पर जितना पेट्रोल पंप वाले इकट्ठा उसको मंगाते थे, ठीक है, जितना पेट्रोल और डीजल, ये नहीं कि लोग कितना मतलब उस पर पेट्रोल डला रहे हैं, उसे हर लोगों से प्रति व्यक्ति से चार्ज किया जाएगा। वो जो कुछ भी चलाते थे पेट्रोल पंप वाले, पेट्रोल पंप के मालिक के द्वारा इस टैक्स का पेमेंट किया जाता था, और लोगों से वो पेट्रोल के समय पेमेंट कराया जाता था। अब राज्य उत्पाद शुल्क, ये बता दिए पहले, स्टेट लेवल पर जो प्रोडक्शन होता था उस पर चार्ज किया जाने वाला शुल्क राज्य उत्पाद शुल्क होता है। उसके बाद है वाहनों पर कर। देखिए ये है कोई मतलब जैसे यात्रा से संबंधित बिजनेस कर रहा है, किसी की दो चार टैक्सीज चल रही हैं, ठीक है, किसी शहर में, तो वो लोगों को फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए। तो अगर उनकी भी इनकम एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा हो रही है तो उनको वाहनों पर भी कर देना पड़ेगा। और ख़ास करके एक कर और भी लगता है इसमें, जैसे कोई नई सड़क का निर्माण हुआ है, ठीक है, तो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, वो अपने पैसे की भरपाई करने के लिए, राजस्व की पूर्ति करने के लिए कुछ दिनों के लिए उस पर टैक्स लगाती है। टोल प्लाजा के द्वारा वो वसूला जाता है। जो टोल प्लाजा मिलते हैं एक जगह से, एक जिलों से दूसरे जिलों में प्रवेश करने पर, या काफ़ी जगह बीच बीच में रास्ते पर मिलते हैं, वो टैक्सेस जो वसूल किए जाते हैं वो वाहनों पर कर कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद है विद्युत कर, जो कि अब जीएसटी में बाहर रखा गया है। जीएसटी में विद्युत पर कर नहीं लग रहा है, बट पुराने टैक्सेशन सिस्टम की बात हो रही है। तो जो बिजली पर कर चार्ज किया जाता था, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बहुत ज़्यादा बिजली के बिल आते हैं, बहुत ज़्यादा बिजली के बिल आते हैं, लाखों करोड़ों रुपए में, ठीक है, तो पहले बिजलियों पर भी इसका टैक्स चार्ज किया जाता था एक सर्टेन मिनट से ऊपर होने पर, वो विद्युत कर कहलाता है। उसके बाद है प्रवेश कर। अब ये स्टेट की बात हो रही है, स्टेट लेवल पर, क्योंकि राज्य सरकार के द्वारा चार्ज किया जा रहा है। तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स मंगाने पर, ठीक है, जैसे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश में गुड्स अगर मंगाया जा रहा है तो राज्य सरकार के द्वारा उसमें प्रवेश कर चार्ज किया जाएगा, और दूसरे देश से अपने देश में मंगाया जा रहा है तो केंद्र सरकार के द्वारा चार्ज किया जाएगा, जिसे सीमा शुल्क बोलते हैं। और प्रवेश कर ये क्या है, ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर गुड्स प्रोवाइड किया जा रहा है तो उस पर इंट्री टैक्स लगता है, उसी को प्रवेश कर बोलते हैं। उसके बाद है विज्ञापन कर, एडवर्टीजमेंट टैक्स। ये होता है जैसे किसी गुड्स को लोगों तक पहुंचाने के लिए, उसकी पहचान बताने के लिए, ठीक है, उसको बाजार में अधिक से अधिक उपलब्ध कराने के लिए, उसकी बिक्री को बढ़ाने के लिए, खास करके उसकी सेलिंग को बढ़ाने के लिए जो एडवर्टीजमेंट किया जाता है, और बहुत ज़्यादा पैसे से एडवर्टीजमेंट किया गया किसी फैक्ट्री का, ठीक है, तो उसमें एडवर्टीजमेंट टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है। अगर छोटी बहुत कम लेवल पर, जैसे छोटी फैक्ट्रियाँ, छोटी कंपनियाँ, उनका कोई एडवर्टीजमेंट कराया जा रहा है तो उन पे कोई भी एडवर्टीजमेंट टैक्स का पेमेंट नहीं करना पड़ता है, बट एक लिमिट के बाद, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं पैसों में एडवर्टीजमेंट कराने पर, एक सर्टेन लिमिट के बाद उसमें विज्ञापन कर चार्ज किया जाता है। अब शिक्षा उपकर, देखिए ये क्या है, शिक्षा उपकर, यह शिक्षा संस्थान जैसे कोई खोल रहा है, ठीक है, बहुत सारे प्राइवेट, अक्सर प्राइवेट कॉलेज ही होते हैं, कोई अगर प्राइवेट कॉलेज खोल रहा है, ठीक है, तो उसके प्रबंधक के द्वारा, वो भी अगर एक सर्टेन लिमिट, ठीक है, मतलब एक अच्छा खासा अगर स्कूल चलता है, ये जीएसटी के पहले का नियम था, तो उनसे भी टैक्स का पेमेंट कराया जाता था, ठीक है, जो कि राज्य सरकार को जमा किया जाता था वो, तो इसमें शिक्षा उपकर के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब देखिए कच्चे जूट पर कर, जूट जान ही रहे हमारी मुख्य फसल है जो कि विदेशों को सेल की जाती है, ठीक है, तो भारत में जूट बहुत बड़ा उत्पादक देश है भारत, जूट का, तो
बहुत ज़्यादा संख्या में जहाँ भी जूट मतलब होते हैं, इसके जूट के प्रोडक्शन पर जो चार्ज किया जाता है वो कच्चे जूट पर कर होता है, ये फिनिश गुड्स नहीं होता है, रॉ मटेरियल्स होता है। उसके बाद है सट्टेबाजी पर कर, जैसे कोई सट्टा लगा रहा है, ये खास करके बाजार में होता है, ठीक है, ये मनी मार्केट एक होता है, मुद्रा बाजार, और एक सट्टा बाजार होता है। तो सट्टा बाजार में सट्टेधारी जो होते हैं वो पहले से अनुमान लगाते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं कि खास करके इस गुड्स की, ठीक है, कितना प्राइस फ्यूचर में बढ़ेगी या कितना रिड्यूस होगी, उसके अंतर्गत वो सट्टा लगाते हैं। कभी कभी उनकी सट्टे अगर सही हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट एकाएक कमा लेते हैं, कभी कभी लॉस में भी चले जाते हैं। अगर किसी गुड्स को वो डंपिंग कर लिए, बहुत ज़्यादा संख्या में परचेस करके डंप कर दिए, और बाद में फ्यूचर में उसकी प्राइस घट गई, तो उनको कम दामों पर ही बेचना पड़ेगा, तो उनका लॉस हो जाएगा। और वो अनुमान ये लगाते हैं कि अगर उस प्राइस उस गुड्स की बढ़ेगी, जैसे किसी भी चीज़ की हो, गेहूँ की, चावल की, अगर डंपिंग की है वो, अगर उसकी प्राइस बढ़ गई फ्यूचर में, तो वो बहुत ज़्यादा दाम कमा लेते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट पर उसको बेचते हैं। ये होता है सट्टेबाजी पर कर। और सट्टा एक और भी प्रकार का होता है, जुआ खेलना, जैसे सट्टा लगाना, इसको भी कहते हैं। जैसे कोई मैच हो रहा है इंडिया से पाकिस्तान से, तो उसमें भी दो लोग सट्टा लगाते हैं कि जो पार्टी जीतेगी या हारेगी, एक लोग कहते हैं ये जीतेगी, एक लोग कहते हैं ये जीतेगी, तो दोनों लोग आपस में सट्टा लगाते हैं एक सर्टन पैसे से, एक सर्टन अमाउंट से, ठीक है। तो हारने वाले जीतने वाले को जो पेमेंट करता है वो भी सट्टाबाजी के अंतर्गत आता है। तो ये था पुराने टैक्सेशन सिस्टम पे संबंधित जितना टैक्स चार्ज किए जाते थे। उसके बाद अब हम नेक्स्ट क्लास में जीएसटी के क्या क्या लाभ हैं और जीएसटी से क्या क्या हानियाँ हुई हैं, जीएसटी को किस काउंसिलिंग के अंतर्गत किस अमेंडमेंट्स को करके चार्ज किया गया, कब लागू किया गया, एप्लीकेबल किया गया, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।